Good morning, dear student. This is Mandeep Saini, and today I'm here with the lesson number 8 of your English Circle book. The name of the lesson is How Fire Came to Man. It is very good and interesting story. In this story, I will tell you that how fire came to man and how man met with the fire. So let's start. Many years ago, when the world had just begun, fire belonged to Bear. Bear and his people lit fire on cold nights to keep themselves warm, and they carried fire with them wherever they went. बहुत समय पुरानी बात है, जब न्यू वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी तब फायर जो थी, जो आग थी, उसको सिर्फ बियर ही जानते थे, बियर एनिमल ही जानते थे. एंड जो बियर थे वो अपने आप को सर्दियों में गर्म रखने के लिए फायर का यूज़ करते थे, और वो जहाँ कहीं भी जाते थे सर्दियों में तो अपने साथ ही ले जाते थे फायर को, ताकि हम वहाँ पर अब भी अपने आप को गर्म रख सकें. राइट. In the second para, one day Bear and his people came to great forest. They found many acorns laying there on the ground. The acorns were sweet and crunchy. While gathering the acorns, they wandered further and further away from fire. Fire burnt merrily for a while, but then it just started to flicker and begin to die out. It got scared and shouted, "Feed me, feed me." तो एक दिन क्या हुआ, जो बियर थे वो एक घने जंगल में चले गए, और वहाँ उन्होंने क्या देखा, कुछ एकॉर्न्स के फ्रूट जो थे वो ट्रीज में से नीचे गिरकर ज़मीन के ऊपर गिरे हुए थे, ट्रीज से नीचे गिरे हुए थे. और जब जो बियर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन जो नीचे गिरे हुए एकॉर्न थे उनको टेस्ट किया, तो वो उनको बहुत मीठे लगे, मीठे और क्रंची लगे. द मीनिंग ऑफ द क्रंची इज अ क्रिस्पी फूड, एंड अ क्रिस्पी फूड, व्हेन वी ईट दैट काइंड ऑफ फूड इट जस्ट साउंड लाइक अ क्रंच, इट साउंड डिफरेंटली लाइक अ क्रंच, सो दैट्स कॉल्ड क्रंची फूड. राइट. तो उन्होंने जो फायर थी अपने साथ लेके गए थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, फायर को एक साइड पर रख दिया, और उन्होंने फ्रूट्स को टेस्ट किया, तो फ्रूट उनको बहुत मीठे और क्रंची लगे. तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सारे फ्रूट्स जो ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर बिखरे हुए थे, उन्होंने सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और वो एकॉर्न्स को इकट्ठे करते करते जो फायर थी वहाँ पर रखी उसको भूल गए, और वो आगे आगे बहुत घने जंगल में निकल गए उस एकॉर्न फ्रूट को इकट्ठा करते हुए. तो फायर पहले तो थोड़ी अच्छी चलती रही, उसके बाद क्या हुआ, बट देन इट स्टार्टेड टू फ्लिकर. तब द मीनिंग ऑफ द फ्लिकर इज गेटिंग डिम, गेटिंग डाउन, गेटिंग स्लो, गेटिंग डिम. राइट. तो जो फायर थी वो स्लोली डाउन होनी शुरू हो गई, वो ऐसे वो डाई आउट होनी शुरू हो गई, कि अभी बस आग बुझने की ओर जा रही थी, बुझने की तरफ जा रही थी. तो उसने अभी जो फायर थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वो बहुत डर गई थी कि अभी तो मैं फिर बुझ जाऊंगी ऐसे. तो उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, फीड मी, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो. But Bear and his people had wandered deep into the forest and they didn't hear its cries. But जो Bear थे, Bear और उसके साथ वाले जो और Bears थे, वो घने जंगल में और आगे 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 चले गए, और उनको जो थी वो फायर की के शाउटिंग करने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी वहाँ पर. At that moment, man came walking through the forest and saw small flickering fire. Feed me. Fire cried louder. तब वहाँ से एक मैन जा रहा था, जंगल में से एक मैन आदमी जा रहा था, तो उसने देखा एक छोटी सी लाइट है, वो बहुत ज़्यादा स्लो सी होती जा रही है. तो वो उसने वहाँ पर क्या किसी की शाउटिंग भी सुनी, शाउटिंग हो रही थी, मुझे खाना दो, feed me. But what should I feed you? Man asked. He had never seen fire before. मैं तुमको खाने के लिए क्या दे सकता हूँ, आदमी ने पूछा, क्योंकि आदमी ने पहले जो फायर को नहीं देखा था. फायर को सिर्फ कौन जानते थे, फायर को सिर्फ बियर जानते थे. तो उसने पूछा, मैं तुमको खाने के लिए क्या दे सकता हूँ. I eat sticks and logs and wood of all kinds.
फायर एक्सप्लेन्ड, फायर ने कहा मैं लकड़ियाँ खा सकती हूँ और बड़े बड़े भी लट्ठे जो लकड़ियों के बने होते हैं वो खा सकती हूँ, मैं सभी तरह की लकड़ियाँ खा सकती हूँ, मुझे लकड़ियाँ चाहिए खाने के लिए। मैन पिक्ड अप अ स्टिक एंड पुट इन इट इन फायर, फायर सेंट आउट इट्स ऑरेंज ब्लू फ्लेम्स, मैन गॉट अ सेकेंड स्टिक एंड फेड इट टू फायर। Fire now burned brighter and rose towards the sky. तब क्या किया मैन ने, क्या किया फिर उसमें उस एक स्टिक उठाई, उसमें फायर में डाल दी, तो फायर बहुत ऊंची हो गई, फायर जो थी उसमें से ऑरेंज और ब्लू कलर की लपटें निकलने लगी, ऊंची हो गई और ऑरेंज और ब्लू कलर की हो गई। तो मैन ने क्या किया, तो फिर से एक दूसरी लकड़ी उठाई, उसको भी फायर में डाल दिया, तो फायर और बहुत ब्राइटर होगी और उस जो फायर थी वो ऊंची ऊंची होती आसमान को छूने लगी, ठीक है, रोज टूवर्ड्स स्काई, आसमान को छूने लगी, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ डालने के बाद आसमान को, जो फायर थी वो आसमान को छूने लगी। देन ही फुट मोर स्टिक्स इन फायर, बाय दिस टाइम फायर वॉज लिविंग एंड डांसिंग इन डिलाइट, इट वॉज नॉट हंग्री एनी मोर। तब और ज़्यादा लकड़ियाँ डालने से क्या हुआ, जो फायर थी, द मीनिंग ऑफ द लिपिंग इज जंपिंग एंड डिलाइट मीन्स ग्रेट हैप्पीनेस, व्हेन वी फील टू मच हैप्पीनेस दैट्स कॉल्ड डिलाइट। तो जो ज़्यादा लकड़ियाँ डालने से जो फायर थी वो डांस करने लग गई, बहुत ऊंची हो गई और बहुत खुश हो गई, अभी उसको और भूख नहीं लगी थी। Next is, man warmed it himself by the burning fire. He enjoyed its glow and snapping sound as it ate the sticks. Man and fire was very happy together. तब जो वो मैन था उसने अपने आप को आग के साथ अपने आप को बहुत गर्म कर लिया, उसने सेका वहाँ पर आग को बैठ के, एंड अभी वो उसकी इतनी ज़्यादा जो उसकी ग्लो बढ़ गई थी ज़्यादा लकड़ियाँ डालने से, उसको इंजॉय कर रहा था और उसकी स्नैपिंग साउंड को इंजॉय कर रहा था, जैसे जैसे लकड़ियाँ जल रही थी वैसे वैसे जो साउंड आ रही थी उसकी स्नैपिंग साउंड को भी वो इंजॉय कर रहा था। अभी जो फायर थी और मैन था वो दोनों आपस में बहुत खुश थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बियर एंड हिज पीपल केम बैक टू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फायर, उसके थोड़े समय के बाद जो बियर थे, जो ऋषि थे, वो वापस आ गए आग को देखने के लिए। फायर वॉज एंग्री व्हेन इट सॉ बियर, तो आग को बहुत गुस्सा आया जब उसने बियर को देखा। It blazed until it was white hot, so bright that Bear had to cover his face with both of his paws. The meaning of the blazed is when fire burned brightly and strongly. तो फायर जब बियर उसको देखने के लिए वापस आए तो फायर और भी ज़्यादा वाइट हॉट हो गई, और भी ज़्यादा तेज हो गई, ब्राइट हो गई, तो बियर इतनी ज़्यादा सेक हो गया उसमें, तो बियर उसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा सेक को बियर टॉलरेट ना कर सके, तो बियर ने क्या किया, दोनों अपने दोनों पॉज के साथ, अपने दोनों पंजों के साथ अपनी आईज को कवर कर लिया कि मुझे ज़्यादा फायर का बहुत ज़्यादा सेक लग रहा है, फायर बहुत ज़्यादा भी सेक दे रही है, हीट दे रही है, बिकॉज जो फायर थी वो बियर से गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो उसको ऐसे ही छोड़कर चले गए थे जंगल में एकॉर्न्स इकट्ठे करने, वो बहुत चिल्ला रही थी तभी वो वापस भी नहीं आए, कि जब वो बोल रही थी कि मुझे फीड करो, मुझ में और लकड़ियाँ डाल दो, और स्टिक्स डाल दो, तो उनको वो बिल्कुल नहीं सुना और वो आगे आगे जाते रहे, इसलिए वो अभी गुस्सा हो गई थी। द टेरिबल हीट फ्रॉम फायर स्केयर्ड बियर एंड हिज पीपल सो दे कुडंट टेक इट अवे विद देम, तो फिर क्या हुआ, जब इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयानक हीट निकलने लग गई आग में से, तो बियर जो और बियर थे, सभी बियर थे, तो वो अपने साथ आग को वहाँ से लेके नहीं गए, तो उन्होंने सोचा हम आग को यहीं पर छोड़ देते हैं, अगर हम आग को साथ लेके जाएंगे तो हम जल जाएंगे, इवन वो उसके पास भी नहीं जा सकते थे अभी आग के पास, क्योंकि आग में से बहुत हीट निकल रही थी, क्योंकि आग गुस्सा हो गई थी अभी बियर से, इसलिए वो बियर को अपने पास आने के लिए नहीं दे रही थी, तो वो उन्होंने क्या किया, बियर ने वो वहीं पर छोड़कर आग को वहाँ से चले गए। एंड दैट्स हाउ फायर केम टू मैन, तो ये स्टोरी थी कि कैसे मैन को पता चला आग के बारे में, कि कैसे मैन को
आग के बारे में पता चला कि फायर क्या होती है. नाउ यू आर सेइंग इन दिस पिक्चर दिस इज अ मैन एंड फायर एंड बियर. जे देखो अभी बियर वापस जा रहे हैं और जो मैन है वो वहीं पर खड़ा देख रहा है कि फायर कैसी अभी इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई थी, इतनी ज़्यादा ब्राइट हो रही थी, तो बियर उसके पास नहीं जा सकता था. तो क्योंकि बियर जो थे उन्होंने फायर को वहाँ पर अकेली छोड़ दिया था, तो आग जो थी, फायर जो थी, तो उनके साथ गुस्सा हो गई थी, राइट. तो देखो अभी बियर वापस जा रहे हैं और जो फायर और मैन हैं वो आपस में बहुत खुश होकर वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे बाद में. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर स्टोरी. आई होप यू हैव इंजॉयड दिस स्टोरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.